मुंबई में रह रहे 66 वर्षीय जगदीश शर्मा बिलासपुर स्थित अपने पैतृक गांव बदसी आने के लिए अपने परिवार सहित ऊना तक सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन से पहुंचे थे, जिसके बाद उनका हेल्थ चेकअप करवाकर जवाहर नवोदय विद्यालय कोटीपुरा बिलासपुर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया, जहां से उनका सैंपल IGMC शिमला टेस्ट के लिए भेजा गया था। मगर परिवार के 4 सदस्यों में से केवल जगदीश शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें चांदपुर स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया था। मगर उनकी खराब तबीयत को देखते हुए उन्हें लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी भेज दिया गया, जहां 10 दिनों तक आइसोलेट करने के बाद अब वे स्वस्थ हो गए हैं। और उनकी दोबारा भेजी गई सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें उनके पैतृक गांव बदसी भेज दिया गया, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका फूल वर्षा के साथ स्वागत किया तो 7 तालियां बजाकर अभिनंदन भी किया। वहीं ग्रामीणों के इस स्वागत से भावुक हो उठे जगदीश शर्मा ने, जहां मुंबई से उनके गांव तक सकुशल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व हॉस्पिटल प्रशासन का आभार जताया, तो साथ ही कोरोना की जंग से जीतने में योग की अहम भूमिका होने की भी बात कही। वहीं जगदीश शर्मा का स्वास्थ्य ठीक होकर वापिस गांव लौटने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए उनके परिवार की कुशलता की कामना की, तो साथ ही बीमारी से डरो बीमार से नहीं अपनाते हुए घरों में रहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात भी कही। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले से अब तक कोरोना पॉजिटिव के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 12 एक्टिव केस हैं। हॉस्पिटल में जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी, जैसा कि हमारे घर में भी इतनी सेवा नहीं होती जितनी सेवा वो लोग किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो जिंदगी भर इनके लिए भूलेंगे नहीं। और इतना तो बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि है, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैंने तो लड़ाई लड़ी, मैंने योग से ही अपनी लड़ाई को जीता। बाबा रामदेव का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ऐसी विद्या दी है सबको। दवाई तो एक मौली है पर सबसे बड़ा योग है इस बीमारी को हराने के लिए। वहाँ की मुझे सेवा मिली, सफाई कर्मचारियों से लेके बड़े डॉक्टर तक बहुत ही बड़ी सेवा मिली। उन्होंने तो ऐसा रखा था हमें जैसा कि एक माँ अपने बच्चे को रखती है, और टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम दवाई, हमें बम्बई से लेके यहाँ तक पहुँचाने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने किया और कोई हमारा कोई पैसा नहीं लगा इसमें, और पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट की थी। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हूँ, जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी।